देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये आपका जो न्यूज पोर्टल है जनसत्ता का है, और इसमें आप लोग को नीचे यहाँ पे आने पे दिखाई देगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट ALP परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। RRB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ALPO टेक्नीशियन के पदों पे रिक्तियों की तुलना में 15 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और उसके बाद आपकी पोस्ट जो थी 64,371 पोस्ट थी, इसी के कारण आपको 9,65,565 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल डेटा निकाला गया है, यानी कि आपको 15 गुना लेना था और इतना आपका पोस्ट है, तो टोटल आपका हो जाता है 9,65,565 उम्मीदवार का आपका सिलेक्शन होगा CBT2 एग्जाम के लिए, जो कि बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 47 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। हालांकि परीक्षा के पहले चरण में 76.76 उम्मीदवारों की एग्जाम देने पहुंचे। पहले चरण अभ्यर्थी के स्कोर उनके अंकों का सरलीकरण करने के बाद ही जारी किया जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी खबर यह है आपका, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब मैंने RRB अहमदाबाद वाले ट्विटर हैंडल पे बताया गया था वहाँ पे ऑफिशियल के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन होगी, तो उस समय कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था इसका। लेकिन आप लोग देख सकते हो इसमें कि जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, स्कोर दिए जाएंगे, वो सरलीकरण करने के बाद ही जारी किए जाएंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही किए जाएंगे। उसके बाद नीचे है, कई दिनों और सत्रों में हुई परीक्षा के चलते प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर को दुरुस्त करने के लिए अंकों का सरलीकरण किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि उत्तीर्ण होने के लिए एक अभ्यर्थी को अपने श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। सामान्य वर्ग के लिए अंक प्रतिशत 40% है, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के लिए 30% है, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% है। यानी कि देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने ही है, और OBC कैंडिडेट के लिए और SC कैंडिडेट के लिए 23.5 मार्क्स आपके लाने ही है, और ST कैंडिडेट के लिए लगभग आपके 19 मार्क्स लाने ही है। इतना तो मिनिमम आपको लाने ही है, और एक बोर्ड के हाथ में है दोस्तों, रेलवे बोर्ड के हाथ में है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30 मार्क्स हो गया आपका, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 23.5 मार्क्स हो गया, एसटी कैटेगरी के लिए 19 मार्क्स हो गया, तो इतना ही मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिल जाए, CBT2 एग्जाम में आपको एंट्री मिल जाए, ये बोर्ड के हाथ में है। अगर उनको नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एग्जाम तो हार्ड टफ तो आया ही था दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया था, इसलिए एग्जाम टफ आया था, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का परीक्षा में जो है पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो कट ऑफ भी कम ही जाने की चांस रहेगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो कि कट ऑफ का बहुत सारा निकल गया है। फिर यहाँ पे एक ओवर भी बता देता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, अगर नॉर्मलाइजेशन होती है फिर भी आप लोग 35 जिनका आ रहा है वो लोग सेफ स्कोर मान सकते हो। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हो, उसी के हिसाब से आप लोग अपना अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपका आगे अपडेट आता है या फिर ऑफिशियल भी अपडेट आता है, तो सबसे पहले वीडियो लेके आऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह के न्यूज़ तो आपको मिलते ही रहेंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, ऑफिशियल अपडेट में, तब तक के लिए बाय।